नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो कल मैंने आपको जो सिखाया था स्थानांक ज्यामिति का, कि एक सरल रेखा को काटना कैसे है अंतर विभाजन करके और बहिर्विभाजन करके, उसका आज मैं आपको पार्ट टू करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आप ही का बुक्स का पूरा सोल्यूशन करवा रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, कि ये चैप्टर शायद कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। कल हम लोग इस टॉपिक का सिर्फ एक मैथ मैंने बनाया था, आज सेकंड और थर्ड नंबर मैथ मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो वहाँ पे लिखा हुआ था अंतर रूप, यहाँ लिखा हुआ आंतरिक रूप, तो दोनों एक ही बात है। अब देखिए वहाँ पे एक आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके बुक में वो है क्या, एक है बाहरी रूप से काटो और दूसरा लिखा हुआ होगा कि बहिष्ठ रूप से काटो, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज मैथ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको टाइम कैसे पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप इसी टाइम में बहुत अच्छे से अपना चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पाठ सीख लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। उसी तरीके से करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा कौन सा पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स वन वाई वन हो गया क्या, कि 5,3 हो गया। फिर यहाँ से एक्स टू वाई टू हमारा हो गया -7,-2। ठीक है, और यहाँ से एम इज टू एन हमारा क्या हो गया, उल्टा उसका कि 2:3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बोल दिया कि आंतरिक रूप से काटा गया है, तब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, ये आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स वन वाई वन बिंदु और एक्स टू वाई टू बिंदु एम अनुपात एन, मतलब इतना 2:3 के अनुपात में जो है आंतरिक रूप से काटती है, तो पी बिंदु का स्थानांक बराबर। उतना लिखने के बाद आप यहाँ पे, नहीं तो अगर आप वो लिखना नहीं चाहते तो आप सिर्फ इतना लिखेगा फ्रेंड्स कि पी का स्थानांक बराबर, यहाँ पर आप साइड में मान लीजिएगा कि पी बराबर, यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा कि माना पी बराबर x,y, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि पी का स्थानांक बिंदु, कम से कम इतना लीजिए पी का स्थानांक बराबर। अब यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, फॉर्मूला तो यही है ना, मेरे साथ आप बोलिए आपको भी याद हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई में क्या हो जाएगा एम प्लस एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो एम हमारा दिया हुआ 2 गुना क्या है, तो 2 गुना -7, फिर यहाँ पे n कितना है 3 है, x1 कितना है, x1 हमारा 5 है, 3 गुना 5 नीचे हो गया 2+3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी सेम 2 गुना y2 हमारा दिया है -2। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा n यहाँ पे है क्या 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2+3, अब यहाँ पे हो जाएगा -14, बस सॉल्व कर दीजिए और क्या, 15/5 हो गया 5, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4। अब इसमें आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स, इस चीज़ को सोच करके कि हमारा कट नहीं रहा, ज़रूरी नहीं है कटना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कटना, देखिए यहाँ कट रहा क्या, नहीं कटेगा, 1/5 होगा, तो अब यहाँ देखिए कट जाएगा 5/5, ये हमारा 1 आ जाएगा, तो हमारे यहाँ से आंसर क्या निकल करके आ गया कि 1/5,1, यही हमारा हो गया पी का स्थानांक बिंदु। ठीक है, और इसको आंतरिक रूप से काटा है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला यूज़ किए हैं। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि बाहरी रूप से काटते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला। अब देखिए आपका बुक में 2 सवाल दिया होगा, एक है, एक सवाल में होगा कि आपका बाहरी रूप से काटना है और एक होगा आपका बहिष्ठ रूप से काटना है, तो दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम आपको करना पड़ेगा क्या कि x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3,2 हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या है x2 और ये है y2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू तो 6,5 हो जाएगा। अब इसको काटा गया है 2:1 में, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2:1 यहाँ लिख देना होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, बाहरी रूप से काटा गया है, तब आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्या कि m x2 - n x1, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे भी हमारा क्या करना पड़ेगा हमें, तो नीचे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्नीज आ गया था फ्रेंड्स इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, my2 - ny1 बाई में हो क्या हो जाएगा m - n। ठीक है, अब यहाँ पे बस बैठा दीजिए, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और हंसते खेलते बस बैठाते जाना, जैसे होता है ना कि आप ईयरफोन लगाए हुए हो और अपना काम कर रहे हो, बस वही काम करना है। यहाँ पे ये हो गया 2 × x2 कितना 6 है, -n हमारा 1 है, 1 × क्या हो गया x1 - 3, नीचे क्या हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम कि 2 × y2 यानी 5, और यहाँ पे n कितना है, तो n हमारा हो जाएगा 1 × y1 कितना है 2/2 हो गया 2 - 1, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या कि 12 - 3/3 हो गया 1,
और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या है कि 10 माइनस 2 बटा में हो गया 1, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, तो आ गया 9 और ये आ गया हमारा 8, तो ये हो गया हमारा आंसर बहिरूप से काट रहा तो। ठीक है, अब चलते हैं आज के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि बोल रहा है आपको कि निम्न दो बिंदुओं से बनी एक सरल रेखा को उसके मध्य बिंदु का स्थानांक निर्णय करें। मतलब कि इसका जो है मध्य बिंदु, मतलब कि मैंने आपको जो बताया था कि एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि हमारा 5.4 दिया है, 5.4, और यहाँ एक पॉइंट है जो दिया हुआ 3.-4। अब इस दोनों का बीच वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो सिंपल से बात है, मैंने आपको क्या समझाया था फॉर्मूला में कि ये कैसे निकलता है, अगर अनुपात नहीं दिया जाता है तो दोनों का हम लोग औसत निकाल लेते हैं। मतलब क्या कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा जो x का है उससे सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी x1 प्लस x2 बाय में 2, और यहाँ पे y के लिए क्या करना पड़ेगा कि y1 प्लस y2 बाय में 2। बस आपको सिर्फ ये चीज़ का, इस फॉर्मूला को आपको यूज़ करके आपको मध्य बिंदु का स्थानांक निकालना है, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो आपको पता चल ही होगा कि x1 y1 है ना, और ये x2 y2 है, बस बैठा दीजिए। तो x1 हमारा 5 है प्लस ये हो जाएगा 3 बाय में 2 हो गया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4 बाय 2। अब देखिए ये तो हमारा हो गया 8/2 और ये तो हो गया 0/2। अब ये हमारा कट गया 4 बार में, तो 0 बार में कटेगा, तो ये हमारा 4.0 हो गया। सॉल्व बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु निकालने बोला है, ये भी देखिए उसी का पार्ट है, तो हमको मध्य बिंदु निकालने बोला है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मध्य बिंदु का स्थानांक बराबर, ठीक है, मध्य बिंदु का स्थानांक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला वही सेम कि x1 प्लस x2 बटा में 2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 0/2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 प्लस 7/2, यानी क्या हो जाएगा ये 3 हो गया, और यहाँ से सिर्फ 7/2 हो गया। इसे आप ऐसे मत लिख दीजिएगा कि 3.5 ना, वैसे मत लिखिएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ऐसे वो सही है एक मायने से, बट वैसे देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और वो एक प्रकार से गलत ही माना जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्योंकि कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि आपके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में आपका होना चाहिए, मतलब आपका प्रोडक्ट चमकीला हो या ना हो, लेकिन आप उस प्रोडक्ट को, आपका जो सामान है जिसको आप बिक्री कर रहे हैं, उस सामान को आप जिस भी प्लास्टिक से अगर उसको ढक रहे हैं, वो प्लास्टिक आपका चमकीला होना चाहिए। क्योंकि आदमी जो है आपका अंदर का सामान देकर के नहीं खरीदेगा आपका सामान को, ठीक है, आदमी क्या देकर के खरीदेगा, तो आपका जो प्लास्टिक जिससे आप रैप किए हो उसको, उस प्लास्टिक जिससे आप चमका रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, वो प्लास्टिक कैसा है। अगर वो प्लास्टिक गंदा हो गया तो आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा, अगर वही प्लास्टिक साफ़ सुथरा रहेगा, चमकीला रहेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, तो वही चीज़ खरीदेंगे। समझ रहे हैं, मतलब कि बाहरी दिखावा से यहाँ पे अंदर का चीज़ वैल्यू किया जा रहा, उसी हिसाब से फ्रेंड्स कि अगर आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको मैं बना देता हूँ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। बैठा दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 प्लस ये हो जाएगा -3 बाय में 2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 4/2, ये हो गया हमारा -8/2, और ये हो गया 6/2। अब ये कट गया हमारा यहाँ पे, तो क्या बचा ये, तो ये हो गया -4 और ये हो गया 3, हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आज के, आज मैं दो क्वेश्चन और लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर कल इस चैप्टर का अच्छे से फिनिश कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो दो सवाल यही है, मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए क्या है कि 1.3 बिंदु, मतलब ठीक है 1.3 बिंदु जो है ये 4.6 और 3.5 दो बिंदुओं से बने एक सरल रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको कि ये जो हमारा 1.3 है, ये इस दोनों पॉइंट को, कौन कौन पॉइंट, यानी कि 4.6 और 3.5, इसको जो है किस अनुपात में काट रहा है। तो जब भी देखिए यहाँ पे आपको अनुपात पूछ दिया गया, तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि माना एम अनुपात एन के अनुपात में काटते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करते हैं, और आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा एम अनुपात एन। अब वो कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला को पहले हम लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा, अब देखिए यहाँ पर तो ये हमको नहीं बोला गया है कि इसे हम लोग अंतः विभाजित कर रहे हैं या बाहर विभाजित कर रहे हैं, मतलब इसकी यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया है कि इसको हम अंदर से काट रहे हैं या फिर बाहर से काट रहे हैं,
तो हाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ बाहर अंदर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय में यहाँ पे क्या हो जाएगा तो एम प्लस एन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय में हो जाएगा एम प्लस एन। और यही हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या यही हमारा दिया हुआ है वन कॉमा थ्री, मतलब समझ में आया। मतलब ये कहने का ये है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग इसको लेकर के चलते हैं तो हमको उसके बराबर में वन लिखना पड़ेगा तो भी हमारा वही आंसर आएगा, और जब इसको अगर हम लेकर चलते हैं सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा थ्री आएगा। और ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है आपको कि ये हमारा एक्स वन है, ये वाई वन है, ये हमारा एक्स टू है और ये वाई टू है, ठीक है, और बराबर करना है इसके थ्रू। तो हम लोग चलिए इसको लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं। आप इसको वाई से भी लेकर चलेंगे तो भी आपका सेम बनेगा, और हम लोग और अगर आप एक्स को लेकर चलते हैं जैसे कि हम बनाने वाले हैं अभी तो भी आपका वही आंसर आने वाला है, ठीक है। देखिए इसको लेकर चलते हैं, एम एक्स टू, एम का जगह पे तो एम ही हो जाएगा, एक्स टू कितना है तो देखिए एक्स टू हमारा थ्री है तो एम गुना तीन हो गया प्लस एन, एक्स वन कितना है तो एक्स वन हमारा फोर है तो हो गया गुना चार, नीचे में क्या हो जाएगा तो नीचे हो गया हमारा एम प्लस एन, बस हो गया। बराबर क्या वन करना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा थ्री एम प्लस फोर एन, नीचे हो गया इतना बराबर हो गया वन। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा थ्री एम प्लस फोर एन बराबर में क्या हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा एम प्लस एन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एम माइनस एम, और यहाँ से हो जाएगा क्या कि एन माइनस फोर एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो आएगा टू एन टू एम इक्वल टू माइनस थ्री एन। अब ये तो मैंने आपको सिखाया था पहले भी कि जब इसके नीचे इसको, मतलब जब इसके नीचे हम लोग इसको लेकर के आते हैं तो इसके नीचे इसको लेकर के आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू। तो किस अनुपात में काटा है, अब यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एम अनुपात एन तो हमारा एम का वैल्यू क्या आ गया माइनस थ्री आ गया ना, और इनका जगह पर क्या आ गया दो आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। बस आपको सिर्फ यहाँ पर मान लेना है, और आप वहाँ पर थोड़ी ना आपको बोला गया कि आप इसे अंतर रूप से काटे या बाहर से काटे, बस आपको वहाँ पर उस रूप में बांट देना है, बांट दिए। अब वहाँ से आप इसको अगर बराबर करते हैं तो इसके लिए आपको ये दिया हुआ ये बिंदु है पॉइंट का, और जब इसको लेकर चलते हैं तो आपको ये उसके लिए बराबर करना पड़ेगा तीन से, बस बैठा दीजिए वहाँ से निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं आज का लास्ट नंबर सवाल की तरफ, वो भी हमारा सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, और उसमें आप अच्छे से डिस्टर्ब हो जाओगे मुझे पता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लेकर आया हूँ, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या बोला है, यहाँ बोला गया कि वाई अक्ष के द्वारा किस अनुपात में काट रही है, मतलब सवाल वही है बट यहाँ पे क्या बोल दिया कि y अक्ष के द्वारा काटने पर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताइए, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही चीज़ लिख लेते हैं क्या कि जो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है, कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय में यहाँ पे हो जाएगा एम प्लस एन, और दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है हमारा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय में हो जाता है हमारा एम प्लस एन। वही सेम यहाँ भी नोटेंगी करना पड़ेगा कि माना अनुपात एम अनुपात एन के अनुपात में से काटा गया है, उसके बाद फिर ऐसे करके किया गया, ठीक है। हाँ वो थोड़ा डायरेक्ट बताते हैं स्पीड में, देखिए यहाँ क्या बोला कि इस अनुपात में, तो मान लीजिए वही सेम कि एम अनुपात एन के अनुपात में काटा गया। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या बोला गया जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये बोला गया है कि वाई अक्ष के द्वारा काट रहा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको जो है वाई अक्ष के द्वारा काट रहा। तो मैंने आपको ग्राफ में यानी लेखा चित्र में एक चीज़ बताया था कि जब भी अगर वाई अक्ष पे काटेगा तो उस समय हमारा क्या होता है, उस समय हमारा एक्स का वैल्यू ज़ीरो होता है, यानी कि हमको ये वाला वैल्यू ज़ीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि वाई एक्स के द्वारा काट रहा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू क्या ज़ीरो है, मतलब ये कि हमको ये फॉर्मूला लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पर कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय में हो जाएगा एम प्लस एन और बराबर में ज़ीरो लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक्स टू और एक्स वन का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो देखिए एम तो हमारा वैसे ही रहेगा कि हमको अनुपात निकालना है, और एक्स टू कितना है तो एक्स टू हमारा ये है माइनस नाइन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस नाइन, एन ए हो गया, एक्स वन हमारा सात दिया है, यहाँ पे ये हो गया हमारा एम प्लस एन और ये हो गया ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या आएगा तो ये हो गया माइनस नाइन एम और ये हो गया सेवन एन, ये हो गया ज़ीरो। अब ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे तो माइनस नाइन एम और ये हो जाएगा माइनस सेवन एन, यहाँ से ये दोनों कट गया। वही सेम तरीका करेंगे तो एम बाई एन और यहाँ से हो जाएगा सेवन बाई नाइन हो जाएगा, हो गया सॉल्व। अब ये क्या हो जाएगा हमारा तो एम इंस टू एन और यहाँ से ये हो गया सेवन इंस टू नाइन, हो गया सॉल्व। कितना आसान से सॉल्व हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर अगर बोल रहा है वाई एक्स के द्वारा काट रहा है तो एक्स बराबर जीरो करना पड़ेगा,
अगर वहीं आपको सवाल में इसका ठीक उल्टा दे देता, मतलब क्या कि वहाँ आपको बोलता कि एक शख्स के द्वारा काट रहा है, तो आपको क्या होता वहाँ पर वाई बराबर जीरो होता, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता, ये वाला वैल्यू आपको लेके चलना पड़ता और वहाँ पे आपको बराबर में जीरो लिखना पड़ता। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है और वह हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन दे ही सकता है, ये हम लिख के कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ।